लाइव ओके वी आर लाइव नाओके ओके ओके हाँ जी आ गई मैं पता नहीं क्यों क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी <coughs> क्या हाल साहब है आ, मैं ना एकदम से पता नहीं सब कुछ ब्लैंक हो जाती हूँ मैं जब कोई भी गड़बड़ हो जाती है ना तो मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं शीतल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑलि बोर्ड एग्ज़ाम ऑलीव बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं भाई आप सभी सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि एकदम से चीज़ें ऐसे हो जाती हैं ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं हाँ हाँ तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोग जब टाइम से नहीं आते हो मैं कुछ बोलती हूँ मैं भी तो वेट करती हूँ ना इधर ओके <coughs> okay, प्रवीण हेलो दिव्यांशु ममता यादव थ्योरी भी करवाओ ओके okay, थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराओ ठीक है गुड आफ्टरनून दिव्यांशु थ्योरी नहीं करा रहे हो थ्योरी कराया तो मैंने आपको थ्योरी कराती हूँ तो नहीं आते हो क्वेश्चन कराती हूँ तो कहते हो थ्योरी क्यों नहीं कराते हैं आते हो क्वेश्चन कराने पर लेकिन थ्योरी के लिए डिमांड करते हो ये कौन सी बात हुई ये कहाँ से सीखा है तुम लोगों ने गुड आफ्टरनून आदित्य गुड आफ्टरनून राजेश ठीक है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले तुम्हें थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आर आर बी एन टी पी सी सीबी टी टू रैंक बूस्टर बैच आ चुका है जिसे भी एन टी पी सी सीबीटी टू की तैयारी करनी है आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं बीस दिसंबर से ये शुरू हो चुका है इसमें मैं सौरभ सर योगेश सर निखिल सर रविंदर सर एंड तन्वी मैम आपको पढ़ाने वाले हैं वन फोर्टी फाइव आवर से ज़्यादा की आपको लाइव क्लासेस इधर मिलेंगी फुल लेंथ पाँच फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे पाँच हजार से ज़्यादा क्वेश्चन लाइव डिस्कशन होगा यहाँ पर साथ ही में लास्ट मिनट में आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी कैसी रही भी हम आपको बताएंगे साथ में पीडीएफ तो आपको मिलती ही अभी जो चल रहा है वो है वो इस पे आपको ऑफ मिल जाएगा और अगर फाइव परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए बेसिकली ऑलिव बोर्ड पर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए 5% परसेंट का तो आपको बस मेरा कोर्ड लगाना है जो कि शीतल मैम एस एच डबल एम डबल ए एम शीतल मैम ये कोड है ये आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फाइव परसेंट डिस्काउंट इधर मिल जाएगा थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराएँ ठीक है ममता वैसे ही कराती हूँ मैं डेली टेंशन मत लीजिए आप अब ये एग्जाम क्लियर कराना मेरी टेंशन है तुम लोगों की नहीं होनी चाहिए ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है 20 दिसंबर से शुरू हो चुका है इसको फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है बहुत सारे नए बैचेस भी आए हैं अभी आपके लिए जितने भी लोग सी जी के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी आपका सी जी से ट्वेंटी वाला सिलेक्शन बैच आपके लिए आ चुका है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये आपका सुपर रिलीट सब्सक्रिप्शन में भी एडिड है आई गेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक है वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं ठीक है और जितने भी लोग सीजीएल के टी वन की तैयारी कर रहे हैं जो आपको पता ही है कि अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं ना है ना तेईस जनवरी तक फॉर्म फिल हो रहे हैं नमस्ते धर्मेंद्र कैसे हैं आप तो आप फॉर्म फिल करिए और सीजीएल की तैयारी में जुट जाइए बस अप्रैल में बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है तो आप सभी लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ये एनरोल कर सकते हैं साथ ही में इधर आपका रैंक बूस्टर बैच आया है पूजा मैम का दो दिसंबर से आया है ठीक है ये सुपर इलिट सब्सक्रिप्शन में आपका एडेड है रैंक बूस्टर ये बैच है और इसमें आपको अगर सीजियल टीयर टू के लिए इंग्लिश का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बना है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए साथ ही में टारगेट सीई बैच है आपको मैथ्स की तैयारी करनी है अर्थमेटिक एडवांस दोनों आपको रविंद्र सर और निखिल सर इंग्लिश और हिंदी uh, बैचेस में आपको कराने वाले हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है अभी मेरा मोनोलॉग हो चुका है खता। अब तुम लोगों की कोई बात है तो बता दीजिए तो देखो मैं आपको करा चुकी हूं साइक्लोस वाला चैप्टर में आपको फिर उसके बाद में कि भूकंप वाला चैप्टर करा दिया है मैंने आपको एमसीक्यूज करा दिया है तो अब आपके बचते हैं वोल्के और कल मैं आपको कराऊंगी फ्लड यानी कि बाढ़ ठीक है तो आपदा अलग अलग तरीके से जो आती है उसमें से हमने पढ़ा था कि कुछ एक जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं प्राकृतिक आपदाएं जो होती है हमने पढ़ा किससे आती है भूकंप की वजह से बहुत सारी आपदाएं आती है फिर साइक्लोन यानी कि चक्रवात की वजह से आए दिन आपदाएं आए रहती है और भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये सारी चीजों की वजह से अक्सर आपदा आती रहती है कभी वोल्केनो की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं आती है बेसिकली क्योंकि हमारे इधर एक ही एक्टिव वोल्केनो है यानी कि एक ही ऐसा हमारे इधर ज्वालामुखी है जो एक्टिव है जहां जो जिसमें विस्फोट होता है कौन सा है वो क्या बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में आ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई जिसने भी अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी हमसे आके जुड़े ठीक है क्लास तभी स्टार्ट करेंगे जब सभी लोग यहां पर इसको शेयर कर देंगे ठीक है सभी लोग बोल दीजिए कि भाई मैम की क्लास हो चुकी है लाइव आप आके अटेंड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन आएगा तो ही मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख पाऊंगी अदरवाइज अगर इस पर व्यूज सही से नहीं आ पाए तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी तो देखो किसी भी चीज का व्यूज जो पैरामीटर है ना वो देखने का नजरिया होता है कि वो क्लास की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है अब मैं लेके आ रही हूँ मुझे पता है इस क्लास की रिक्वायरमेंट है तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पर क्लास हो लेकिन फिर भी अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो उससे इंडिकेशन क्या जाता है उससे इंडिकेशन ये जाता है हायर अथॉरिटीज़ को कि इस क्लास की नीड नहीं है ये अननेसेसरी चल रहा है क्योंकि देख तो कोई रहा नहीं है व्यूज़ मतलब जो लोग देख रहे हैं और देख नहीं रहे हैं व्यूज़ कम है तो मतलब देख नहीं रहे हैं देख नहीं रहे हैं तो क्यों चलाया जाए समझ रहे हो मेरी बात तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू रहे तो आप सभी लोग इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर शेयर कीजिए एटलीस्ट फिफ्टी प्लस यार लाइव वॉचिंग हमारा होना चाहिए ठीक है गुड आफ्टरनून विकास गरवा कैसे आप और बहुत कम क्लासेस हैं जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट को आईसीआर का जो पूरा टॉपिक है इसको कवर कर रहे हैं आईसीआर जैसा एग्जाम अगर आपका निकल जाता है तो स्टार्टिंग में ही आपको फटाक से जॉब मिल रही है ऐसी इस वक्त पर कोई भी जॉब नहीं है आपकी जो इतनी आसानी से आपको कोई सरकारी नौकरी मिल रही है इसमें आप सरकारी नौकरी पर होंगे महज कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको आ, रिजल्ट भी आ जाएगा आप ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी आपकी क्योंकि अभी देख लो दस जनवरी तक तो यानी कि आज तक हमारे क्या हो रहे हैं फॉर्म फिल हो रहे हैं आज 10 जनवरी है ना आज 10 जनवरी है फटाफट से आज सभी लोग फटाफट से फॉर्म फिल कर देना 10 जनवरी तक फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके बाद में फॉर्म फिल होना बंद है ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑनलाइन फीस भरी जाने वाली है और तुम्हारा 25 जनवरी यानी कि आज से 15 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे आईसीआर के टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं बेसिक पे इसमें अराउंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के यानी कि इक्कीस बाईस हजार के अराउंड आपको बेसिक सैलरी मिल ही जाएगी साथ में जो अलाउंसेज वगैरह जो बत्ते वगैरह अलाउंसेज मिलेंगे उसके बाद में ये तकरीबन आपकी तीस से पैंतीस हजार की आपकी सैलरी आपके पास इसमें आ जाएगी मैम इंडिया एंड कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड कराइए ठीक है सचिन अभी मेरा ना मैंने सभी को प्रॉमिस किया था कि पहले अभी देखो डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू कर दिया तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं तो आज और कल में मैं इसको खत्म कर दूंगी क्लड कल मैं फ्लड वाला

और जॉब भी आपकी काफ़ी अच्छी है सिक्स फोर्टी वन कुछ है अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बहुत सारे लोगों के फॉर्म फिल भी नहीं हो पाए हैं कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेरे पास कॉल आया था वो बोल रहे थे कि मैम मैंने पेमेंट कर दिया है सब मेरे उससे पेमेंट भी कट गया है लेकिन उसके बाद में भी मेरा फॉर्म दिखा रहा है कि पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अटका हुआ है तो उनको मैंने यही सजेशन दिया है कि आप उधर जाके उनको हेल्प डेस्क पर बोलिए कि ये ये प्रॉब्लम हुआ है ताकि आपका ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए अच्छा हिस्ट्री चाहिए ठीक है शाह और विकास बोल रहे हैं हिस्ट्री चाहिए देखो हिस्ट्री है एक आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ठीक है पॉलिटी है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी है हिस्ट्री है और आपका कौन कौन सा बच गया इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अब ये बता दो पहले मैं कौन सा कराऊं तुम्हें तुम लोगों को मैं पहले कौन सा कराऊं वो बता दो मुझे फिर ये ना बोलना कि मैम आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया अभी मैं तुमसे पूछ के कराने वाली हूँ मैम इंडिया एंड इट्स कॉन्टेम्प्ररी वर्ड थ्योरी करा दूँ ना थ्योरी करा दूँ क्वेश्चन की नीड तो नहीं है है ना क्योंकि उसमें देखो एन से करा रही हूँ तो एम वगैरह उसमें फ्रे, आ, फ्रेम कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो थ्योरी उसमें बहुत ज़्यादा है और टाइम है कम तो जल्दी कराना पड़ेगा तो थ्योरी थ्योरी लेना पड़ेगा क्वेश्चंस फ्रेम कराने में टाइम लगेगा या तो मैं सोशल साइंस का एक ही बार पूरा आपको थ्योरी टाइप करा दूँगी तो, सॉरी एम टाइप करा दूँगी ठीक है ऐसा कर लेंगे अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं मैम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा दो कुछ लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड रेवोल्यूशन करा दो चलो इसके बारे में कोई नहीं मैं तुमसे लास्ट में पूछ लूंगी अभी फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं लेट हो जाएंगे वरना ठीक है तो ज्वालामुखी यानी कि वोल की बात करें पा, लास्ट में मैं तुम्हें पाँच दस मिनट के उ, का टाइम दूंगी उस पर डिस्कशन ही करेंगे हम कि क्या करना चाहिए क्योंकि देखो प्लानिंग बना के करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा प्लानिंग करके करेंगे तो बढ़िया रहेगा और साथ में ना आई का पेड बैच भी है ऑलिव बोर्ड पर तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इसका पेड़ बैच भी है अगर कोई चाहता है फटाफट वहां पर आसानी से तसली से तैयारी करनी है किसी को तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकता है आईसीआर का ठीक है ठीक तो है स्टार्ट है। करते, करते, है... करते हैं ओके वोल्कैनोज क्या होते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं और ये क्यों इनके अंदर क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी इतने बुरी तरीके से फटते हैं कि ये बहुत ज्यादा त्रासदी लेके आते हैं तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये पृथ्वी के अंदर का जो क्रस्ट होता है क्रस्ट क्या होता है क्रस्ट जो सतह होती है पृथ्वी की जो सतह होती है सबसे ऊपरी सतह होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है टेक्टोनिक प्लेट्स होती है मैंने आपको बताया भी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है कि ये कुछ इस आकार की छोटी

इस इधर से उधर दिशाओं में जाने लगती है जब ये कहीं पर जाकर टकराती है तो हमने पढ़ा था क्या आता है भूकंप का कारण बनती है। जब ये जो अर्थ का जो मेंटल है पृथ्वी का जो मेंटल है वहां पर इतना ज्यादा गर्म लावा होता है वहां पर इतनी ज्यादा उसके अंदर गर्मी होती है इतना तापमान होता है कि वो बड़ी से बड़ी चट्टान को बड़े से बड़े पत्थरों को चट्टानों को पिघला सकता है और पिघला के बहुत ही गाढ़ा जो एक तरल पदार्थ का रूप दे देता उन्हें यानी कि जब वो पिघलेंगे तो कैसे होंगे वो बहुत ज्यादा घनत्व वाले बहुत ही मोटी परत के क्या होगा एक तरल पदार्थ की वो शेप ले लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं और वो ना बहता हुआ जाता है बहुत ही गाढ़ा होता है लेकिन बहता हुआ जाता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं हम उसको मैगमा नाम से जानते हैं मैगमा नामक एक गाढ़ा बहने वाला जो पदार्थ है वो बनता है किसकी वजह से चिट्टानों को पिघला देता है इतना तापमान होता है पृथ्वी के मेंटल के भीतर वो क्या कर देता है उनको गाढ़ा बना देता है और पदार्थ बहने लग जाते हैं बिल्कुल प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा मैम चौदह दिन में कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल स्वीटी गुप्ता कंप्लीट करा देंगे आपका मेरा अब यही काम है आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप बस इतना कर दीजिए कि क्लासेस बीच में बंद ना हो उसके लिए आप शेयर कर दीजिए मैं इसको करा दूंगी क्लासेस मैं तभी करा पाऊंगी जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा जब अथॉरिटीज को यह लगेगा कि हाँ मैम की क्लास बढ़िया चल रही है स्टूडेंट्स चाहते हैं डिमांड है अदरवाइज फिर आपको पता डिमांड नहीं होता है तो क्या होता है तो ये चीज आपको करनी है बाकी सारा काम मेरा है यहाँ पर क्या होता है ये मैग्मा बहुत ही गाढ़ा तरीके का एक पदार्थ होता है जो बहता हुआ जाता है यानी कि तरल तो है लेकिन काफी गाढ़ा है इसी के साथ मैग्मा अपने चारों ओर से जो ठोस चट्टाने होती हैं उसकी तुलना में हल्का होता है क्योंकि तरल पदार्थ है इसलिए हल्का होता है तो ये बहुत ज्यादा उछलता हुआ चलता है कैसे चलता है बहुत ज्यादा उफान लेता हुआ चलता है जैसे आपका क्या होता है कि पानी में कागज की तरह जैसे अगर तुम पानी के अंदर कागज को रख दो कागज की नाव बनाई होगी तो कैसे उछाल मारती हुई चलती ना बिल्कुल इसी हिसाब से ये अनियंत्रित

ठोस ये कैसा है तरल तो अब इनको तो ये बाहर नहीं कर पा रहा इनको तो ये तोड़ नहीं पा रहा तो ये किधर की तरफ जाता है ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा गति में एक्शन करने लगता है बहुत ज्यादा गति में ऊपर की तरफ निकलने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आसपास की प्लेटें हैं ये क्या हो जाती है शिफ्ट हो जाती है या तो ये आपस में आ जाती है साइडों में चली जाती है उसकी वजह से क्या होता है जो यहां पर ये जो सारा होता है ये भारी विस्फोट के कारण इससे बाहर निकल आता है और क्या होता है कि कई वो जो होते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं वो बार बार फटने से ज्वालामुखी बनते हैं यानी कि पहले ये चट्टान कैसी थी पहले ये चट्टान ऐसे, यहां नीचे से आया, तो इसने यहां पर जोर मारा तो लिया अब वापिस से फिर गतिविधि उफान मारा तो अब यह वाला एरिया था यह फिर इतना उठा दिया और इतना उठा दिया और यहां से मैगमा बाहर निकला तो यह

करती है तो जहां पर भी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है या एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है तो वो उस जोन को क्या कहते हैं सबडक्शन जोन कहते हैं क्या कहते हैं सबडक्शन जोन अब आपका आंसर यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर के अंदर कि सबडक्शन जोन जो है उस किसको कहा जाता है सबडक्शन जोन क्या होता है तो आप बोलेंगे कि जब एक प्लेट कोई एक महाद्वीप है जिसके किनारे के साथ में बहुत सारी प्लेटें हैं उनमें से कुछ एक जगह पर प्लेटें क्या है एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई है तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट को ओवरलैप करती है तो इसे सबडक्शन जोन कहते हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल करनी है ठीक है अब यहां पर आ गया कि हमने देखा आपने अक्सर सुना होगा कि एक्टिव वोल्केनोस कितने है तो एक्टिव क्या होता है और जो एक्टिव नहीं है इनएक्टिव है वो ज्वालामुखी कैसे होते हैं तो देखो एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जिनके अंदर क्या होता है लाइक कहां से होता है लाइक अच्छा यूट्यूब पहली बार यूज़ कर रहे हैं क्या आप लाइक कहाँ से होता है लाइक आपके बिल्कुल वीडियो के नीचे वीडियो चैट को जब हटाते हैं तो वहां पर लाइक का ऑप्शन आता है ठीक है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग अब मैंने कहा सक्रिय वॉलकैनोज कैसे होते हैं ये अक्सर कहां पर देखे जाते हैं आपकी भूमि पर देखे जाते हैं जहां पर प्लेट्स क्या करती हैं अक्सर जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से कोलाइड करती हैं टकराती रहती है वहां पर हमें कैसे देखने को मिलते हैं क्योंकि देखो सक्रिय कब होंगे ये सक्रिय तब होंगे जब बार बार नीचे जो अर्थ के नीचे जो गतिविधियां हैं उनमें क्या आ रहा है चेंजेस आ रहे हैं उनमें बदलाव आ रहे हैं बदलाव कब आएंगे देखो गतिविधियां कोई ऐसी जगह है जो कैसी है फॉल्ट वाली जगह है

वो क्या होते हैं जमीन पर देखे जाने सक्रिय ज्वालामुखी जहां पर टकराती हैं।, लेकिन के जो जो हैं जितने भी आपके अर्थ के ऊपर देखे जाते हैं वो आपके ओशियन फ्लोर से थोड़े हिडन होते हैं यानी कि जो समुद्र तट है उससे थोड़ा दूर होते हैं ऐसा नहीं है कि समुद्र तट के पास में होते हैं अक्सर वो समुद्र तट से थोड़ा दूर देखने को मिलते हैं कुछ एक निश्चित स्थानों पर होते हैं और ऐसा नहीं होता कि वो अचानक होते हैं उसकी गतिविधि चलती रहती है 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 उसमें पता होता है, पता होता भी लग जाता है कि यहां पर पर जो ज्वालामुखी उसका विस्फोट विस्फोट होने होने वाला है। कुछ होने पर, जब आपके विस्फोटक हो जाते हैं तो उसमें ढीले बहने वाले और गैर विस्फोटक होते हैं कुछ एक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत भारी विस्फोट होता है और बहुत दूर दूर तक जो लावा है उड़ उड़ के जाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा उसमें मासिव लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है बहुत सारा एरिया तक आपका गर्म लावा पहुंच जाता है लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं है। तो के के है। हो है? है। मतलब वो ऐसा नहीं है। वो है तो हुआ लेकिन वो होता जा रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है उसमें से फिर निकल रहा है उसमें से फिर निकल रहा है लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी उनमें से एक बार निकला और उसके बाद वो शांत हो जाते हैं लेकिन कुछ एक ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनको प्रेडिक्ट करना जिनको बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें से बार बार निकलता रहता है और कई बार तो निकलता है उस पर निर्धारित करेगा कि उसका जो बिहेवियर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विशेषताएं है वो अलग अलग तरीके की होती है अलग अलग इसलिए ज्वालामुखियों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है अच्छा ये जो मैं तुम्हें करा रही हूं ये डायरेक्ट ने आईसीआर के आईसीआर uh, का रीडिंग मैनुअल है आईसीआर का रीडिंग मैनुअल है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जो उन्होंने अपनी जितनी भी जनता है उसके लिए निकाल रखा है कि भाई आपदा प्रबंधन कैसे हो क्या क्या आपके uh, अलग अलग तरीके की आपदाएं है होती हैं उनसे कैसे निपटना चाहिए उनके लिए कौन कौन सी जो एजेंसियाँ uh, हैं वो रिस्पॉन्सिबल है तो मैंने डायरेक्ट ही आई के ही गाइडलाइन uh, से उठाया हुआ है उनके रीडिंग मैनुअल से ये उठाया है तो आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं उनका रीडिंग मैनुअल भी ठीक है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग यहां पर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और प्लीज कोशिश कीजिए कि 50 प्लस लाइव टारगेट हमारा पूरा हो जाए अब कितने तरीके के वोलैनोज होते हैं पहला आता है स्ट्रोम्बोलियन वोल्कैनो स्ट्रोम्बोलियन वोल्कैनो क्या होता है इसमें बहुत ही मोटे मोटे और बहुत ही बड़े लेवल के मतलब बहुत विशाल थक्के देखने को मिलते हैं यानी कि क्लॉट्स जो थक्के होते हैं किसके होते हैं जो आपका पिघला हुआ होता है ना वो फट फट के बाहर बहुत गो, गोल गोल थक्कों में निकलते हैं गोल और मोटे थक्कों में निकलते हैं जो आपके कहा जाके गिरते हैं ये आपका जो क्रेटर होता है यानी कि क्रेटर क्या होता है ये मैंने कहा ये ज्वालामुखी है जो इसका मुंह होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है क्रेटर तो इससे निकल रहे हैं विस्फोट के कारण और बहुत मोटे मोटे थक्के निकलते हैं और ज्वालामुखी की जो ये ढलानी होती है इससे नीचे की ओर गिरते हुए प्रवाहित होते हैं और यहाँ से होते हुए ऐसे फैल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं ऐसे बोलकैनो किस टाइप के होते हैं स्ट्रोम्बोलियन यानी कि जब ये बोलकैनो ये ज्वालामुखी जब फटेगा ना तो ये क्या करेगा अगर वो स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी है तो वो फटते ही क्या करेगा वो लावा के विशाल विशाल थक्के क्रेटर से फेंकने लगेगा आकाश के माध्यम से वो फटते हैं और उसकी ढलान के सहारे नीचे जा जाके गिरते हैं तो आपने देखा भी होगा अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा किसी ज्वालामुखी के फटने का या कोई फोटो देखी होंगी तो आपने देखा होगा यहाँ से उड़ते हुए बहुत सारे पदार्थ जा रहे होते हैं ठीक है आदेश यादव थैंक यू सो मच लेकिन अभी प्लीज़ मुझे क्लास पे फोकस करने दीजिए अगर आपको इस क्लास की ज़रूरत है तो आप क्लास लीजिए अदरवाइज में अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ क्लास का जो डेकोरम है उसको ख़राब मत कीजिए ठीक है अब पर क्या होगा स्ट्रेम्बोलियन कौन से हो गए जैसे ही मैं तुमसे बोलूंगी स्ट्रेम्बोलियन ज्वालामुखी कैसे होंगे जिसमें जिस लावा के बड़े बड़े थक्के क्रेटर से बाहर निकलते हैं आकाश के माध्यम से ढलानों के उधर से होते हुए प्रवाह होते हुए जाते हैं तो आंसर क्या करोगे स्ट्रेम्बोलियन फिर आ जाता है यहां पर एक और प्रकार जिसको कहते हैं वलकेनियन Vulcanian क्या होता है कि ये जितने भी आसपास का जो उसका एरिया होता है जो बहुत ज्यादा देखो जब कोई चीज जलती है तो तुम्हें पता है कि वो जल के वो चीज है वो राख बनती है कि नहीं बनती है एशिज निकलते हैं कि उसमें से राख टाइप का डस्ट पार्टिकल राख टाइप का निकलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपने देखा होगा ऐसे ऊपर इस टाइप से बादल से काले काले आपको धुआं धुआं सा दिखता है क्या होता है धुआं धुआं सा दिखता है तो जब क्रेटर से यानी कि इसका जो मुंह है यहां से ये धुआं धुआं निकल रहा है एकदम धुएं वाले बादल बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं कि जब एक पूरा बादल सा बनता है किसका राख से लदी गैस का एक घना बादल क्रेटर से फूटता है और शिखर से ऊपर उठता है कहां से निकल रहा है क्रेटर से से फूट रहा है है और इसके शिखर ऊपर उठता है भाप की राख शंकु के ऊपरी सतह के पास एक सफेद बादल बनाती है ऐसे में ज्वालामुखियों को क्या कहते हैं वलकेनियन बोलते हैं अब आपको क्या हो गया अब आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम ने पूछा कि भाई कुछ एक ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े राख के बादल बनाते हैं क्रेटर से निकलते है, से निकलते है? हैं और शिखर पे उछलते हुए उनको क्या बोलते हैं जो भी ऐसा करेंगे उनको बोलेंगे ज्वालामुखी है कैसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी है फिर आते हैं आपके वैसुवियन अब वैसुवियन क्या होते हैं वैसुवियन होते हैं ये आपके ना माउंट वैसुवियस है जो इटली में उसके नाम पर रखा गया है ये क्या हुआ था इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपकी जो राख से लदी हुई गैस थी जो राख से लदी हुई गैस थी वो कैसी दिख रही थी उसने एक फूल गोभी का आकार ले लिया था आपने देखा भी होगा जर्नली इस टाइप से बन जाते हैं

के आकार के जो बादल बनाते हैं उनको बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली बार ऐसे ऐसे आकार आकार का जो आकार का जो 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 ज्वालामुखी फटते हुए, राख की इटली में था और सेवन एडी में देखा गया था तो उसी के नाम पर इसको क्या रख दिया कि इस टाइप के जो भी ज्वालामुखी फटेंगे उनको हम कहेंगे ज्वालामुखी है उधर हम देखने को मिला था फिर फिर कौन से आते हैं आपके? फिर आते हैं हैं आपके? पेलियन। जितने भी लोग प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सभी लोग बहुत कम लाइव काउंट बचाए क्या चाहते हो फ्रॉम <coughs> जनकपुर धाम नेपाल वेलकम जनकपुर धाम कैसे हैं आप <coughs> ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा पलिनियन जो होते हैं ये कैसे होते हैं जब हम कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में बहुत भारी मात्रा में गैस धूल राख और गर्म लावा के जो टुकड़े हैं वो किसी एक सेंटर गंडे यानी कि एक जो गड्ढा है यानी कि जो क्रेटर हम कहते हैं उसमें से निकलते हैं और किसका रूप ले लेते हैं हिमसखलन का रूप ले लेते हैं और ज्वालामुखी को सौ मील प्रति घंटे की गति से नीचे ले जाते हैं यानी कि इसमें से क्या होता है

के पास में जहाँ पर कोल्ड वाला एरिया होता है कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पर ये देखे जाते हैं इनका नाम क्या होता है पैलियन ज्वालामुखी इनको क्या बोलते हैं पैलियन ज्वालामुखी अब आ, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बड़ी मात्रा में गैस धूल राख और गर्म लावा के टुकड़े आपको कौन से ज्वालामुखी द्वारा देखने को मिलते हैं तो क्या बोलेंगे पेलियन ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे कि पेलियन जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी को कितने मील प्रति घंटे की गति से नीचे हुआ लाता है तो तो आंसर आंसर क्या होगा तो भी आंसर होगा भी आपका पर हंड्रेड मील यानी कि सौ मील प्रति घंटे की स्पीड से गति से ये नीचे की तरफ लेता हुआ आता है फिर होते हैं आपके हवाइन वोल्के हवायन ये आपको पता भी है हवाई एक जगह है ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है ये एक आ, ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है यह शब्द आपका हवाई नाम की जगह पर भी है दूसरा इसमें क्या होता है यहां पर पिघला हुआ जब विस्फोट के किया जाता है तो यहां पर जो पिघला हुआ गर्म लावा होता है वो ज्वालामुखी का जो दरार वाला क्षेत्र है उस पर उगता है मतलब उसमें से निकलता है और ज्वालामुखी के नीचे बहने वाली लावा धाराओं को वहां पर लेता हुआ चलता है और ज्वलंत लावा का एक फुवारा टाइप कई ऊंचाई तक फैलता है सौ फीट या उससे अधिक तक जो फैलता है यानी कि यह क्या करेगा ये इस टाइप का ज्वालामुखी है इसमें लावा का बहुत ज्यादा रोल है इसमें गैस का रोल नहीं है राख का रोल नहीं है इसमें किसका है यहां पर ऐसे देखो इतनी सी जगह होगी इसमें से क्या निकल रहा है और उसको 100 फीट या उससे भी ज्यादा के नीचे तक उसको खदेड़ता हुआ ले आता है उतनी ऊपर तक ऊंचाई तक वो फुआरा बना देता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हवाईन ज्वालामुखी अच्छा ये क्लियर है कि नहीं है अभी तक यहां पर आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है ज्वालामुखी का जो हम कर रहे हैं ये अभी तक क्लियर है इसके प्रकार करने आपको ज़रूरत है इनकी क्योंकि ये यही पूछा जाएगा आपसे वोल्केनो में ज़्यादा कुछ है नहीं वोल्केनो के आपसे टाइप पूछ लिए जाएंगे वोल्केनो में ये पूछ लिया जाएगा कि एक्टिव वॉलकैनोज यानी सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो क्या होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं किस टाइप के विस्फोट होते हैं ये आपसे पूछ सकता है जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है फिरिएटिक यहाँ पर जो शब्द आया है वो है फ्रियटिक वॉलकैनो जो फ्रियटिक ज्वालामुखी होते हैं वो क्या होते हैं देखो इसमें क्या होता है कि बहुत दूर

से जो निकलने वाला ताप था वो क्या होगा ठंडा होके वो किसमें बन गया भाप बन गया क्या बन गया भाप बन गया उसने पानी का पानी की सतह बना दी वहां पर क्या बना दी पानी की सतह बना दी तो उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड ग्राउंड और सरफेस वाटर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद हॉट रॉक और माग मैगमा यानी कि किसी ठंडे सतह की वजह से या वहाँ पर कोई पानी था उस सतह पर उसकी वजह से जब आपका कोई गर्म चट्टान या मैगमा उससे मिलता है तो भाप का निर्माण होता है वो भाप बहुत जगह फैलता है तो ये आपके फिरएटिक इरप्शंस जो होंगे विस्फोट जो होंगे ये क्या होते हैं ये आपके सॉलिड रॉक यानी कि बहुत ही ठोस चत... चट्टान जो आपकी कहाँ से निकलती है वो के अंदर से निकलती है इसमें से ज्यादा मैग्मा नहीं निकलता है क्या है इसमें कोई नया मैग्मा नहीं फूटता है इसमें ठोस चट्टान के टुकड़े ही विस्फोट करते हैं मतलब इसके अंदर से जैसे विस्फोट हो रहा है तो आपको बाहर आते हुए मैग्मा कम दिखाई देगा इसमें से चट्टाने बाहर आती हुई दिखाई देंगी क्रेटर से बाहर तो उनको क्या बोलते हैं फ्रियेटिक ज्वालामुखी कहते हैं फिर आपका आता है फिलीनियन ज्वालामुखी ये सबसे शक्तिशाली प्रकार का विस्फोट है किसी भी ज्वालामुखी में अगर फिलीनियन ज्वालामुखी है वो अगर फिलीनियन ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें से बहुत जारी ज्यादा मात्रा में और बहुत ही ज्यादा हानिकारक लावा निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पर राख और वॉलकैनिक गैस होती है वो हवा में दूर दूर तक फैल जाती है ठीक है इतना ज़्यादा इसमें

क्या पूछ रहे हैं ममता सॉरी मेरा ना अभी कमेंट्स uh, पे ध्यान नहीं था मैं पढ़ाने में ज़्यादा बिजी हो गई एक कैसे होते हैं एक होते हैं सक्रिय है ज्वालामुखी दूसरे कैसे होते हैं निष्क्रिय है, और तीसरे कैसे होते हैं विलुप्त यानी कि उनमें अब होते ही नहीं है उनमें जो विस्फोट होते हैं वो होते ही नहीं है एक कैसे होते हैं जो प्लिनियन का ही ये पार्ट है कुछ ऐसे थे पिलीनियन में उनमें इतने इन उनमें इतने विस्फोट हुए इतने विस्फोट हुए कि अब या तो वो निष्क्रिय हो गए हैं उनके अंदर और कोई विस्फोट होता नहीं है जितना था अंदर से गुब्बार उन्होंने निकाल दिया या

इस फोटो में आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक तो कुछ है नहीं है यहां पर क्या है इस तरीके की ये क्या निकल रही है गैस निकल रही है इस तरीके की क्या निकल रही है इधर गैस निकल रही है जो कैसी दिख रही है राख जैसी दिख रही है है ना राख जैसी गैस निकल रही है और तो बादल की शेप है वहीं अगर मैं कहूँ ये इस टाइप से होता यहां से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और ये इस टाइप का यहाँ पर रूप ले लेता यानी कि फूल गोभी जैसा रूप ले लेता तो इसको क्या बोलते फूल गोभी जैसा अगर ये रूप ले लेता तो इसको क्या बोलते इसको बोलते हम वैसुवियन ज्वालामुखी क्या बोलते हैं इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए गुड इवनिंग शिवम कैसे हैं आप <coughs> क्या बोलते हैं इसको हम अगर ये फूल गोभी जैसा रूप ले लेता तो इसको हम क्या कहते अभी इसने कैसा रूप लिया केवल क्लाउडेड है ये कैसा है ये क्लाउडेड है तो मैंने बोला फूल गोभी जैसा लेगा तो क्या होगा वैसुवियन बोला क्या होगा यहीं पे आपको कराया था मैंने ये रहा वेसुवियन ये क्या है जब कॉलीफ्लार यानी कि फूल गोभी जैसा आकार लेगा तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम वेसुवियन जब बहुत ज़्यादा गहरे क्या बनेंगे बहुत ज़्यादा आपके गहरे बादल बनेंगे इसके राख के बहुत ज़्यादा ऊपर तक तो क्या कहेंगे उसको यहीं से शुरू हो जाएंगे जो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वल्केनियन क्या है ये वल्केनियन ये क्या है वलकेनियन ज्वालामुखी है लेकिन अगर मैं कहूं कि हवा में बहुत ऊपर तक जाएंगे मैं कह रही हूं हवा में लाखों मील ऊपर तक जाके हवा में फैल रहे हैं तो वो कौन से थे पलिनियन थे ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक होगा पलिनियन होगा लेकिन मैं कहूं कि हवाई वाले कौन से होते हैं तो आंसर क्या होगा हवाई वाले कौन से होते हैं जिसमें लावा भी मिला होता है इसके साथ साथ यहां पर क्या चल रहा है इसके अंदर लावा भी मिला हुआ है अब आप देख रहे हैं यहां पर जो ये क्लाउड आप देख रहे हैं इधर यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके अंदर लावा भी है इसके अंदर क्या है लावा भी है तो जिसमें राख भी होगी लावा भी होगा वो कैसे कहलाएंगे वो हवायन क्या कहलाएंगे ज्वालामुखी कहलाएंगे फिर यहां पर ये क्या है जो सबसे ऊपर की जो जगह है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर जिसमें से अगर इसमें से बड़ी बड़ी चट्टाने निकल रही होती अगर मैं कहूं इसमें से बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने निकल रही है कोई मैगमा नहीं निकल रहा होता ये नहीं निकल रहा होता ये नहीं निकल रहा होता केवल क्या निकल रहा होता केवल यहां पर चट्टाने निकल रही होती तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था तो आंसर इधर क्या होगा केवल चट्टाने निकलती हैं इसमें से दे ओनली ब्लास्ट आउट फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉलिड रॉक फ्रॉम द वोल्केनो वोल्केनो के अंदर से ठोस चट्टान के टुकड़े विस्फोट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं फ्रियेटिक बोलते हैं इसमें से भाप निकलती है चट्टाने के टुकड़े निकलते हैं तो फिरिएटिक बोलते हैं है ना और वो बोला प्लीनियन कौन सा होगा जिसके अंदर बहुत ऊपर तक क्या जाएगा आपका क्लाउड्स बनेंगे किसके गैसेस के एशिज के यानी कि राख के ये सब बनेगा अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने पढ़ा कि जो क्लीनियन होते हैं ना तीन प्रकार के होते हैं एक होता है एक्टिव एक होता है डोरमेंट एक होता है एक्सटेंट हमने पढ़ा एक्टिव किसे कहते हैं सक्रिय बोल कैनो एक्टिव किसको कहते हैं सक्रिय बोल कैनो डॉरमेंट किसको कहते हैं निष्क्रिय यानी कि जिसमें अभी चेंजेस होने बंद हो गए हैं और फिर लास्ट कौन सा है एक्सटेंट वेलोकैनोज ये क्या क्या होते हैं अब ये हम पढ़ते हैं एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है जो वर्तमान में जिसके अंदर विस्फोट हो रहे हैं जो फट रहा है और जो इस संभावना के संकेत दिखाना जारी रखता है कि ये फट सकता है, है। कहलाएगा तो कहला तो कहला भारत का एकलोटिव एक्टिव वोलकैनो आपके कौन सी जगह पर है कौन सी जगह पर है आपका एक क्या नाम है उसका आंसर करिए क्या होगा सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी इधर जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो अगर यही हाल रहा तो मैं क्लास अभी एंड कर देती हूँ क्वेश्चंस रहने दूंगी मैं बस ये करा के मैं एंड कर दूंगी ठीक है ये करा के मैं एंड कर दूंगी बिकॉज रिस्पॉन्स जो मुझे दिख रहा है उसके वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इस क्लास को खींचने का कोई फायदा नहीं है इस क्लास में ज़्यादा कुछ कराने का फ़ायदा नहीं है बारह तेरह स्टूडेंट्स बचे हैं सिर्फ एकदम से इतना ज्यादा मासिव डिक्रीज देखने को मिला है लाइव काउंट में जो कि सही नहीं है ठीक है क्या होगा इधर एक्टिव वॉलकैनो क्या होता है अब मैं फटाफट से इसको रैप अप करती हूं अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं आप इसको लाइक नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये सब बंद ही होने वाला है ये क्लासेज ही बंद हो जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है एक्टिव वोल्कैनो होगा जो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी शो करता है कि संभावना दिखाता है कि ये फट सकता है या ऑलरेडी फट रहा होता है तो हमको पता है कि ये बार बार फटता है तो क्या है एक्टिव वॉलकैनो है मैंने आप सभी से पूछा था यहाँ पर किसी ने आंसर किया नहीं है भारत

का ये भरोसा हो चुका है कि जो कई सालों से फटे ही नहीं है और ना उनके अंदर कोई गतिविधि देखने को मिल रही है ना ऐसी संभावना, तो हम हम संभावना हमने ये कह दी कि ये अब लुप्त हो चुके ये तो फटेंगे ही नहीं कभी क्योंकि हमने इनकी क्षमता देख ली जो इनकी क्षमता थी फटने की वो अब खत्म हो चुकी है और ना कभी आगे होने वाली है भविष्य में क्योंकि जो आधार यहां पर होना चाहिए जो गतिविधियां जो टेक्टोनिक प्लेट्स का आधार होना चाहिए जो वहां पर लावा का उठने का मैग्मा का उठने का आधार होना चाहिए वो है ही नहीं तो ये कैसे हो चुके हैं ये विलुप्त ज्वालामुखी हैं ये अब या भविष्य में किसी भी समय फटने की क्षमता नहीं रखते हैं कहलाएंगे कौन से विलुप्त ज्वालामुखी निष्क्रिय वो है जो काफी समय से काफी समय से नहीं फटे हैं लेकिन संकेत है कि यह संभव है कि वो भविष्य में फिर से फट सकते हैं एक्टिव क्या होगा जो वर्तमान में फट भी रहे हैं और संभावना बार बार दिखा रहे हैं संकेत दे रहे हैं कि फट सकता भाई फटने वाला है भाई तो क्या होगे? एक्टिव होंगे एक्टिव वोल्केनो होंगे ठीक है अब यहाँ पर कुछ जो वोल्कैनोज होते हैं ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है कि उनको क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है सुपर वालकैनोज क्या नाम दिया जाता है उनको सुपर वेलकोनोज अगर आपसे आ जाए एक क्वेश्चन कि जो वलकैनोज बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है तो आप क्या बोलेंगे बोलेंगे सुपर वॉलकैनोज होते हैं इनमें बोला जाता है कि इनकी इतनी ज्यादा क्षमता है विस्फोट होने की कि यह बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं विनाश पैदा कर सकते हैं तबाही हाँ मचा सकते हैं जब भी ये क्या होंगे यहां पर आएंगे तो ऐसे वोल्के पर जो इतने भी आपके वैज्ञानिक हैं वो इनके ऊपर नजर रखते हैं कि ये किसी वजह से नेचुरल इनकी वजह से कोई भी प्राकृतिक आपदा ना हो तो नज़र रखते हैं पहले ही एडवाइसरी जारी कर देते हैं और जो इसके क्योंकि ये देखो मीलों दूर तक ये कवर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा जो डेंजरस होते हैं खतरनाक होते हैं सुपर वॉलकैन जो होते हैं वो मीलों दूर तक का सफ़र कर लेते हैं इतना बड़ा विस्फोट होता है कि मीलों दूर तक की हवा प्रदूषित तो हो जाती है मीलों दूर तक उसका आपको मैगमा लावा के असर देखने को मिलते हैं ताप देखने को मिलता है तो इसीलिए वहां वहाँ पर आसपास के एरियाज इन्हें क्या करने पड़ते हैं इनको हटाने पड़ते हैं वहाँ पर वेकेट कराना पड़ता है अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा है पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा ज़ीरो वन यहाँ पर मिल जाएगा तीन टाइम मैं क्लास लेती हूँ एस की तैयारी करती हूँ करवाती हूँ बारह बजे साढ़े तीन बजे जो कि मैं अभी सोच रही हूँ कि पौने चार बजे इस टाइम को रख देती हूँ थ्री फोर्टी फाइव पे अब से मिलूंगी मैं आपको आईसीआर की क्लास थ्री फोर्टी फाइव पे कराऊंगी और छह बजे कराऊंगी मैं आपको आ, क्लास कराऊंगी आरआरबी यानी कि रेलवेज की जितने भी लोग मुझे टेलीग्राम से देख रहे हैं प्लीज यार यूट्यूब पर आके जरूर देखिए आप सभी लोग <laughs> फीस की बात नहीं है इधर देखो कुछ एक एथिक्स होते हैं कुछ एक रूल्स होते हैं एक कंडक्ट का वे होता है वो भी ज़रूरी है ठीक है तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए पांच परसेंट का किसी भी कोड के साथ में तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा ओले बोर्ड पर जितने भी ऑफर्स जितने भी कोड आते हैं उस पर ये कोड वैलिड है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑलिबोर्ड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ठीक है वॉल्कैनिक हज़ार क्या होते हैं यानी कि ज्वालामुखिया खतरे क्या होते हैं जो आपके अल्प यानी कि दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकते हैं जो आपकी कुछ अल्प अवधि के लिए आए हों या ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके दीर्घकालिक भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक भी रह सकते हैं तो इसमें जो आपके शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक जो आपदा यानी कि खतरे होते हैं

प्रवाह अब आपको पता है लावा बहुत गर्म होता है वहाँ जाओगे तो भैया बच के तो नहीं आओगे अब ये जो लावा प्रवाह होता है इसको आपको पर्सनली तो व्यक्तिगत रूप से टाला जा सकता है लेकिन जिस संरचना में हम रहते हैं और जिस लावा जिस हिसाब से ये बहता है उसमें ये क्या करता है बहुत सारे जो ढांचे जो हम लोगों के बने होते हैं अगर बहुत दूरी कवर कर रहा है तो सब कुछ क्या कर देगा ये जो लावा का प्रवाह है सब कुछ बर्बाद कर देगा फिर आते हैं आपके पायरोक्लास्टिक क्लास्टिक ये क्या होते हैं ये प्रवाह बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डेढ़ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलते हुए आते हैं बहुत तेजी से चलते हुए आते हैं और ये क्या करते हैं कि मतलब हर किसी से आगे निकल सकते हैं मतलब इसके रास्ते में कुछ भी आ रहा है उसको तहस नहस करते हुए चलते हैं ये कैसे बनते हैं ये जो प्रवाह होते हैं ये तो सीधा सीधा आपका लावा होता है गर्म लावा निकल रहा है ये क्या होते हैं ये जो प्रोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक पायरो क्लास्टिक, -पा -क्लास्टिक फ्लोर्स होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं जैसे इसमें आपको राख भी देखने को मिलेगी गैस भी देखने को मिलेगी चट्टान भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको बहुत सारा जो इसमें मिश्रण होता है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है वो भी देखने को मिलेगा जो भी इनके रास्ते में आता है यानी कि रास्ते में आ रहे हैं साथ में क्या है राख है गैस है और चट्टाने हैं और साथ में जो भी इनको रास्ते में मिल रहा है उसको भी ये साथ में लेके चल रहे हैं और काफी तेज गति से यानी कि डेढ़ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहे हैं ठीक है हाँ जी होते हैं वेलकैनस बहुत जगह पर होते हैं ठीक है अब इधर क्या होगा सेकेंडरी वोल्केनोक वो क्या होंगे ये दो तरीके के होते हैं यानी कि आपके जो माध्यमिक जो ज्वालामुखी खतरे होते हैं एक होते हैं लाहार्स जिसे कहते हैं लाहार ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं ये मड फ्लो ज्वालामुखी होते हैं मड फ्लो मतलब कि अपने साथ में अः अपना वो पूरा लावा का जो कीचड़ टाइप होता है वो लेके चलते हैं और बहुत तेजी से यात्रा करते हैं इनके अंदर क्या क्या मिला होता है इनके अंदर पानी भी मिला होता है राख भी मिली होती है और जितना भी पायरोक्लास्टिक पायरो मटीरियल होता है यानी कि जो हमने पायरो

में कोई नदी जा रही हो इसलिए वो नदी के साथ में मिलते हुए, नदी का जो पानी है, या जहां पर बरफ हुई है उससे जो पानी आया है खतरनाक प्रवाह चलता रहता है जो राख होता, होता है जब हम ज्यादातर देखते हैं कि जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो उसमें राख के बादल घने बादल फैल जाते हैं जिससे क्या हो सकता है लोगों को घुटन हो सकती है अगर वो जहां पर लोग रहते हैं मीलो दूर तक आता है तो क्या करेगा उनमें से लोगों का गला घुट सकता है उनको सफोकेशन हो सकती है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है उनके घर गिर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है बहुत ही ज्यादा गहरा होता है और बहुत ही ज्यादा घनत्व उसके अंदर होता है इसकी वजह से एयरप्लेन के जो इंजन होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो भी उस आसपास के एरिया में जितने भी एयरप्लेन उड़ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है किसकी वजह से एश फॉल्स की वजह से क्योंकि अगर आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी वॉल की तो आपने देखा कि वो कितने बड़े लेवल का वो ऊपर हवा का बवंडर टाइप बना देते हैं काले रंग का तो ये कैसे होते हैं ये दो तरीके के होते हैं लहार्स और फॉल्स कैसे होते हैं आ, माध्यमिक होते हैं सेकेंडरी होते हैं दूसरे ज्वालामुखी खतरे होते हैं लेकिन जो आपके प्राइमरी होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक वाले कौन कौन से होते हैं लावा फ्लोर्स होते हैं और पायरोक्लास्टिक फ्लोज होते हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं अभी और क्या क्या करते हैं ये लैंडस्लाइड्स भी करते हैं क्या होता है लैंडस्लाइड्स uh, कॉमन है स्टीप साइडेड वॉलकैनोज में यानी कि जो uh, किनारे खड़ी होती हैं जितनी भी ज्वालामुखी किसी एक चीज के किनारे खड़ी हैं तो वहां पर क्या होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी वजह से लैंडस्लाइड जैसे खतरे भी होते हैं भूसकलन भी होता है क्योंकि बहुत बड़े लेवल का विस्फोट होता है तो जितनी भी गतिविधि होती है आसपास के एरिया में वो लैंडस्लाइड्स यानी कि उसकी वजह से शेकिंग भी होती है तो जब धरती के नीचे से कुछ निकलता है तो उसके आसपास का काफी दूर का जो एरिया है वो भी प्रभावित होता है और वहां पर क्या देखने को मिलती है कि भूसकलन देखने को मिलता है, में क्या होता है? Changes, तो जलवायु बदलेगी कि नहीं बदलेगी उसका सीधा सीधा जलवायु पर विस्फोटों का असर होगा कि नहीं होगा है ना हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि झील भी बन जाती ती है क्योंकि बड़े लेवल का विस्फोट हुआ तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है यहां पर सनलाइट जो अर्थ की तरफ आ रही होती है जितनी भी 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 सूर्य की किरणें होती है है उनको भी, उनकी मात्रा को ये बदल सकती है, जो इसके अंदर आपने देखा होगा जब एक बात बताओ कहीं पर बड़े बड़े बादल होंगे आ, काले बादल होंगे कोई भी चीज ऐसी होगी तो ऐसे में क्या होगा आपको भी पता है कि आप जो सनलाइट है वो वहां पर अगर नॉर्मल बादल भी आते हैं तो भी आपको सूर्य की किरणें नहीं दिखती हैं तो भी आपको बहुत नुकसान होता है तो उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है जलवायु पर पर, आ, हवा की गुणवत्ता पर पे, पेपर पोस्टपोन तो नहीं होगा नहीं इस बार पे, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा आपने देखा होगा इस बार जो आ रहा है तो इस बार डेथ रेट भी कम है ओमिक्रोन जो हो रहा है फैल ज्यादा तरीके से रहा है तो हो सकता है कि इसके लिए प्रिकॉशंस लें काफी ज्यादा आप लोग भी प्रिकॉशंस लें लेकिन यहां पर ज्यादा लेवल पर आपको पोस्टपोन नहीं देखने को मिलेगा देखो अब हमें कोरोना वायरस के साथ ऐसे ही जीना है यानी कि यह बीमारी जाने वाली नहीं है इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे तो इसी के साथ अब जिंदगी जीने की आदत सीख पड़ेगी इन में और इसमें लोग जिनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम खराब है वो जाते रहेंगे जिनका सही है वो वही बात होगी सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट आपने सुना ही होगा कि जो सबसे ज्यादा फिट है उसका सर्वाइवल है तो अभी भी वही चल रहा है अपना ध्यान रखिए अपना जितने भी प्रिकॉशंस है वो लीजिए और उसके बाद में बस जो हो रहा है वो होता रहेगा अभी मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स वगैरह या फिर रिक्रूटमेंट वगैरह बंद होगी क्योंकि लाइफ तो अभी चलती ही रहेगी ठीक है तो अभी ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लास करते हैं ओवर इन द वोल्केनो इराप्शन रिकॉर्डेड हिस्ट्री विच वोल्केनो इज नोन फॉर इट्स मोस्ट डिस्क्रप्टिव वोल्केनो इराप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है बैरन आइलैंड या फिर माउंट सेंट हेलेंस या फिर माउंट किलमिंजारो या फिर कराकाताओ आंसर करिए क्या होगा आंसर करिए यहाँ क्या होगा इतने कम स्टूडेंट्स हैं भाई लाइक like जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो तुम लोग करते नहीं हो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर एक दो दिन में क्लासेस एंड हो जाएंगी मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ और मैं नहीं एंड करूंगी बिकॉज अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ही क्लासेज चल पाएंगी तो कोशिश कीजिए कि इसको आप जादा जादा शेयर करिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ओवर मत करो मैम और भी पढ़ाओ टाइम <laughs> ओवर हो चुका है और यार पढ़ा मैं देती अगर यहाँ पर पचास से ऊपर लाइव काउंट चल रहा था मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और पढ़ाने की और क्वेश्चन है मेरे पास में और क्वेश्चन भी है इधर मेरे पास में लेकिन मैं क्या करूँ अब मैं और क्लास को कैसे खींचूँ जब स्टूडेंट्स ही नहीं है क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर करकाताओ ठीक है क्या होगा आंसर करकाताव ये कर्काताव जो वोल्केनो है ये कहाँ पर है ये आपका रकाटा आइलैंड जो है रकाटा जो आ, आपका द्वीप है वहां पर है जो सुंडा स्ट्रेट जो कि आपका जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है उसके बीच में सुंडा स्ट्रेट जो पड़ता है उसके उधर रकाता जो आइलैंड है वहां पर है ये वोल्केनो ये ज्वालामुखी ठीक है ये अब तक का यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है जहां पर जो आपका वो काला राख वाले जो बादल नहीं थे वो सत्रह मील यानी कि सत्ताईस किलोमीटर ऊपर तक गए हैं इतनी ऊपर तक विस्फोट हुआ है उसका और ये वोल्केनो येमुखी जो जो था ये एक्टिव यानी कि सक्रिय कब हुआ ये मई तेरासी में सक्रिय हुआ था और इसका जो आखिरी विस्फोट था यानी कि सबसे लास्ट जो विस्फोट इससे होता है सक्रिय होने के बाद में जो आखिरी विस्फोट होता होता है वो होता है वो आपका यहां पर अगस्त 27 अगस्त अठारह में और इसके बाद में इसमें छोटे मोटे विस्फोट हुए थे फरवरी तक यानी कि मतलब अगस्त से लेके और अगले साल का जो फरवरी आया है तब तक भी इसमें छोटे मोटे विस्फोट होते रहे तो ये अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट रहा अभी इसके बाद में मेरे पास और भी क्वेश्चन है लेकिन वही है टाइम भी ओवर हो चुका है और अट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए इस क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं अब मिलती हूँ आपसे कल फ्लड वाली क्लास है बाढ़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊंगी तो प्लीज़ कल कोशिश कीजिएगा कि 50 प्लस लाइव काउंट रहे ताकि ये क्लासेज रनिंग में रहे ठीक है अभी तक के लिए बस अभी के लिए इतना ही और पी मिल जाएगी आपको शीतल शर्मा जीरो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मेरा नाम है और जीरो मतलब नंबर वन आपको यहाँ पर पी मिल जाएगी इस क्लास की अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को छः बजे आर की क्लास जिसको भी अटेंड करनी है शाम को छः बजे मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय मैम कितना स्टूडेंट्स होना चाहिए कितने जोड़ू फिफ्टी प्लस लाइव काउंट रहे ऐसा कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट क्लास में फिफ्टी अबव स्टूडेंट्स रहे ठीक है ठीक <laughs> <laughs> है ओके ममता ओके ठीक है सचिन इंडिया एंड कंटेंपररी वर्ल्ड आपका कराती हूँ मैं कल कराती हूँ फ्लड फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा ओवर और वेडनेस डे को हम करेंगे इंडिया एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड ठीक है अभी के लिए इतना ही छः बजे मिलते हैं बाय बाय एंड टेक केयर थैंक यू सो मच क्लास वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को बाय बाय एंड टेक केयर